जब लाइफ पार्टनर की सूरत बदल जाए, सीरत समझ में ना आए, तो कैसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो हम कार्तिक से जानेंगे। कार्तिक, नायरा वापस तो आई है लेकिन सीरत के रूप में वापस आई है और अभी तक आपके सामने नहीं आई है। जब सामने आएंगी तब क्या होगा? कायरव ने तो देख लिया है। ये नायरा तो वापस नहीं आई है, नायरा इज नो मोर। ओके, सो आई थिंक दैट वन इज वन थिंग जो कार्तिक ने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है अब जाकर कि क्योंकि जब वो इस लड़की की आवाज़ भी सुनते, जब सीरत की आवाज़ भी सुनते, तब उन्होंने अपने दिमाग में तो यही ठान लिया कि नहीं, ये वो आवाज़ नहीं है। एंड ही आई कैन फील कि शी इज़ नॉट नायरा, शी इज़ नॉट हिज नायरा। एंड तो वो अपने आप से कहते भी है कि यू नो कि मैंने खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है, खुद सब सारी चीज़ें हुई है। तो समवे ही कीप्स गोइंग इन दैट जोन, बट ऑब्वियसली जो बच्चा है वो ये मानने को ही तैयार नहीं है। और उसने किसी को देखा है जो उसकी माँ जैसी दिखती होगी शायद। तो कार्तिक जब ढूंढते भी है तो हर जगह यही सोच के ढूंढ रहे हैं और यही लोगों से पूछ रहे कि इसके जैसी दिखने वाली लड़की कहीं देखी आपने? बिकॉज बच्चे ने हार्ट में देखा होता है इस लड़की को, तो वहाँ ढूंढते हैं। जब नहीं मिलती तो ही ट्राइज टू कन्विंस हिज सन के कम बैक होम, पर वो बच्चा नहीं आता। और जो स्कूल वाले हैं वो भी उन्हें बताते कि चलो यू नो वील टेक केयर, वी हैव एक्सपर्ट्स, वी हैव काउंसलर्स, वो संभाल लेंगे आपके बच्चे को। वो शायद वहम हो गया हो, शायद इमेजिन कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो एक दिन के लिए छोड़ देता अपने बच्चे को कि शायद हो सकता है, यू नो गिव हिम बेनिफिट ऑफ दिस डाउट। एंड बट ऑब्वियसली नेक्स्ट डे ही बच्चे का फिर कॉल आता, प्रिंसिपल का कॉल आता है कि जो बच्चा है उसे आपकी ज़रूरत है, इज़ गोइंग थ्रू एन इमोशनल टर्मोइल, एंड ही कम्स रनिंग। और जैसे ही हॉस्टल पहुँचते तो पता चलता है कि बच्चा हॉस्टल में है ही नहीं, भाग गया। अब आप ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आए हैं, यहाँ क्यों आए हो? कायरव आपको लेकर आया, कायरव के पीछे पीछे आए आप? क्योंकि यही है जहाँ आपकी बीवी की जैसी दिखने वाली लड़की बॉक्सिंग कर रही है, जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि शिवांगी बॉक्सिंग भी करेंगी कभी। मैं आगे की एग्जैक्ट स्टोरी मुझे नहीं पता, मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पहुँचने का रीज़न ये है कि जब वो हॉस्टल में डीन से बात कर रहे होते हैं, उनके वार्डन से बात कर रहे होते हैं, तो उनके पास भी जवाब नहीं होता कि बच्चा गया कहाँ है। बट ही सीज अ पोस्टर ऑफ अ बॉक्सिंग मैच एंड ही रियलाइजेस कि यू नो बार बार वो बच्चा कह रहा है कि जो ये लड़की है उसको ग्लव्स में देखा है, उसने बॉक्सिंग ग्लव्स में देखा है और रिंग में देखा है, और वहाँ जाके उसने गले मिला है उसकी इस लड़की से। तो ही समवेयर ट्राइज टू फिगर आउट कि शायद हो सकता है जो भी मेरा बच्चा हो वो भागकर यहाँ आ गया हो उसकी सर्च में। सो दैट्स द रीजन कार्तिक रीचेस हियर। लास्ट टाइम जब आपको इस चीज़ की गलतफहमी हुई थी पूरे परिवार को कि नायरा इज नो मोर, जब उन्होंने अपना पूरा मौत का सॉन्ग रचा था और वो गोवा चली गई थी, वहाँ पर रहने लगी थी, जब आप दोनों का सेपरेशन हो गया था, तो उस समय भी कायरव ही था जिसने कार्तिक और नायरा को फिर से रियूनाइट किया था, और इस बार भी कहीं ना कहीं कायरव ही वो कड़ी बन रहा है जो शायद आपको कार्तिक के कैरेक्टर को सीरत से मिलवाएगा। सो इज इट आयरनी? आई डोंट नो अगर वो मिलवाएगा, आई कांट रियली से। आई एम श्योर कुछ स्टोरी होगी पर वो क्या होगी आई कांट रियली से। हाँ, जो पिछली बार का था मैं इतना बता सकता हूँ कि उस वक्त जब ब्लास्ट होता है तब नायरा की डेड बॉडी नहीं मिलती, सो ही इज़ कन्विंस कि नायरा जिंदा है। तो 5 साल तक वो हर रोज एक डेट नोट करते हैं कि एक दिन हो गया, एक दिन हो गया, एक दिन हो गया नायरा के बिना। तो 5 साल तक वो उसमें ही काइंड ऑफ इम्प्रिजन्स हिमसेल्फ बिकॉज ही फाइंड्स हिमसेल्फ गिल्टी कि मेरे वजह से वो कहीं गई थी और फिर उसका वो ब्लास्ट हो गया था वहाँ पर माइनिंग चल रही थी। सो पिछली बार वो मानते नहीं ये बात कि ऐसा हो सकता है कि नायरा मर गई हो, पर इस बार बिकॉज ही सीज द डेड बॉडी हिमसेल्फ, बिकॉज वो खुद अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो समवेयर ही तो या ही हैज एक्सेप्टेड द फेथ। अच्छा मोहसिन, अब मैं जरा शिवांगी के बारे में भी बात कर लेता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शिवांगी को ऐसे रूप में भी देखूंगा। नायरा का कैरेक्टर डांसर था और शिवांगी खुद बहुत अच्छी डांसर है, तो एक वो मैच हो जाता था। डांसर नहीं था, हाँ मतलब वो डांस करने का शौक था, उन्होंने नक्षरा के नाम पर डांस एकेडमी खोली, खुद भी अच्छा डांस करती थी नायरा और शिवांगी खुद अच्छा डांस करती है। लेकिन जो बॉक्सिंग वाला जो पूरा है, आपको कैसी लग रही शिवांगी बॉक्सिंग करते हुए? मैंने जितना इफ यू आस्किंग मी द एपिसोड्स दैट आई हैव सीन, जितने एपिसोड्स अभी एयर हुए माशाल्लाह दे हैव कम आउट रियली वेल यार, आई रियली लाइक्ड इट एंड इट्स फैंटास्टिक टू विटनेस अ होल न्यू ट्रैक। एंड ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबडी, राइट फ्रॉम द क्रिएटिव्स टू द राइटर्स टू द डायरेक्टर टू द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, ही इज टेकिंग दिस चैलेंज एंड
इंशाल्लाह जिस विशिंग के लोगों को पसंद है, एंड आई थिंक जो अगली आने वाली टीआरपी उससे हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि कैसा रिस्पॉन्स है. सो वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. मोहसिन, ये जो नया ट्रैक था ये सब लोग जानते थे, आप जानते थे, शिवांगी जानती थी, राजन सर हिमसेल्फ न्यू. इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्क एंड चैलेंज. किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको आ रहा है इस वक्त इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फैंस का, कार्तिक और सीरत का जो ये नया ट्रैक आया? डोंट नो द रिस्पॉन्स एग्जैक्टली, वी विल गेट टू नो वंस द टीआरपी इज आउट. जहाँ तक इंस्टाग्राम वगैरह की बात है तो वहाँ तो those comments and all, we appreciate everything that the people write and everything, but at the end of the day, you know, kya TRP aa rahi hai, logo ko kya pasand hai, so we're keeping our fingers crossed for it. We are hoping for the best, inshallah. And yes, it was a big risk which Rajan sir took, and kudos to him, and just let's see kya hota hai. Acha, Kartik Nehra ke liye ek hashtag tha Kaira. Kartik aur Seerat ke liye kya hai Kairat? I have no idea. I Kaira bhi fans ne diya tha, to I'm sure they will think of something. Do you want to think any good hashtag? No. Jaise maine bhi suggest kar diya, Kairat is a good name. Kairat, Kartik and Seerat. I don't know. I'm not gonna comment on that. Acha. Ek lastly, apne fans se aap kya kehna chahenge Mohsin? For this new track of Ye Rishta, for the new journey, new phase of Ye Rishta and Kartik and Naira fan, Naira ki jo journey hai. Just I hope you guys like jitne twists aane wale hai aage. The twist is very twisty and twisteshwar, and yeah, I hope you guys like it. Thank you so much Mohsin. To ye the Kartik, aap sabke pyare Mohsin Khan, jo is naye track ko lekar, Kartik aur Seerat ke track ko lekar bahut excited hai. Cameraman Arun ke sath Paras Kothari, India TV, Mumbai.